किसान की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम एक है 91 स्थापना दिवस के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के 95वें स्थापना दिवस पर आज रांची जिला कार्यालय में आंदोलन कर एक आम सभा का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ साथी रांची जिला महासचिव अजय कुमार सिंह ने कहा प्रसाद लाला जी मौजूद हैं, मजदूरों हम उनसे आग्रह करेंगे, दलितों की पार्टी एक बार फिर प्राण ले रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके खिलाफ उनका विरोध करेंगे। और किसानों को बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज 95वें स्थापना दिवस पे हम सब क्षेत्र के लोग अपने अपने पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मना रहे हैं और यह प्रण करने जा रहे हैं कि हम किसानों का साथ देंगे और जो भी किसान विरोधी कानून है उसके विरुद्ध हम खड़े। झंडोत्तोलन के बाद शहीदों को नमन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। आज पार्टी का 95वां स्थापना दिवस है। 26 दिसंबर 1950 को पार्टी का स्थापना हुआ था, तो पूरे देश में आज हम लोग पूरे राज्य में हमारी पार्टी का फैसला कि हम लोग अपना स्थापना दिवस अपने अपने कार्यालयों में मनाए। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 26 दिसंबर 1925 को हुआ था और आज हम 95 साल के हो गए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं दुनिया मजदूरों के लिए। उसी का संकल्प ले निकले आज कि हम लोग जो परिस्थिति 1925 में थे आज भी वर्तमान में वही परिस्थिति देश को दिख रहा है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का देश में रहा था, अभी अडानी अंबानी का राज है मोदी जी के राज में, तो कहीं ना कहीं से दोनों में समानता है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कम्युनिस्ट पार्टी की कि इस समय हम लोग ज़्यादा मजबूती से जो हम लोग 1925 में स्थापना के समय जो संकल्प लिया था हम लोग दोबारा 2020 में वही संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग अडानी अंबानी और ये मोदी सरकार को खाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। इसीलिए आज स्थापना दिवस पर हम लोग ये संकल्प लेंगे कि केंद्र की सरकार कुछ घोषणा नहीं, ये गरीबों दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, ये लगातार निचले तबके की पार्टी है, अमीरों की पार्टी नहीं है। हम लोग लगातार हम तो बोले कि सेना में कौन जाता है, गरीब घर के बच्चे लोग जाते हैं नौकरी, किसान कौन हो, गरीब घर के बच्चे लोग हैं जो किसानी करते हैं उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक जो समझती है केंद्र की सरकार। अपने हिसाब से उन्होंने जिस हिसाब से चलाया है नियम कानून बना रहे थे उसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेती है और जबरदस्ती थोपने का जो काम करे उसके खिलाफ हम किसानों मजदूर के साथ हम लोग लगातार संघर्ष करें, उनके हक और आवाज दिलाने के लिए हम लोग लगातार परिस्थित हैं। और हम लोग स्थापना दिवस के बहाने ये संकल्प लेने के लिए भी जुटे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जितनी भी जन विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करें, उसको विवश करें कि वो जितने भी मुद्दे उन्होंने लिए है उसको वापस लेना पड़ेगा।